पुष्पा द राइस की सक्सेस से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले अल्लू अर्जुन आज 8 अप्रैल को अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। अल्लू अर्जुन हर साल अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करते हैं और साथ ही ब्लड डोनेट कैंप भी रखवाते हैं, जिनमें उनके फैंस भी ब्लड डोनेट करते हैं। बता दें कि अल्लू अर्जुन आज के दिन शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। अल्लू अर्जुन ने ऐसे तो अपने करियर में कई हिट और सुपर हिट फिल्में की हैं, लेकिन पुष्पा ने उन्हें स्टार से सुपर स्टार का टैग दिया है। अब ऐसे में उनके जन्मदिन पर साउथ से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस साल इनका जन्मदिन काफी खास रहा। बता दें कि अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर उनकी फिल्म पुष्पा 2 का टीजर भी जारी कर दिया गया है। 8 अप्रैल 1982 को जन्मे अल्लू ने मात्र 2 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर लिया था। उनकी पहचान फिल्म 1985 में रिलीज हुई चिरंजीवी स्टारर विजेता थी। अल्लू अर्जुन कभी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो एक पियानो टीचर बनना चाहते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बड़े हुए तो उन्हें लगा कि वो एक्टिंग के लिए ही बने हैं और इसी में करियर बनाने लगे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद अल्लू अर्जुन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। आर के बाद अल्लू अर्जुन ने हैप्पी और परुगु जैसी फिल्म में काम किया। साल 2009 में रिलीज हुई आर्य 2 ने अल्लू अर्जुन को स्टार बना दिया। बता दें कि साल 2015 में आई फिल्म रुद्रामी देवी के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी अल्लू अर्जुन ने जीता। साल 2021 में पुष्पा द राइज रिलीज हुई। इस फिल्म ने अल्लू को सुपरस्टार बना दिया, जिसे फैंस ने खूब प्यार दिया था। जिस अंदाज में अल्लू अर्जुन को दिखाया गया, उनके स्टाइल को लोगों ने ना सिर्फ प्यार दिखाया बल्कि पुष्पा राज को कॉपी तक करना शुरू कर दिया था। ये उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म थी। पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। इसके अलावा फिल्म के लिए अल्लू ने फिल्म फेयर साउथ और साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी अपने नाम किया। और अब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रूल 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है।